कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल डिश, मराठी डिश थाली। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है और हेवी भी होता है, तो आइए फ्रेंड्स हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए रहेगा नॉर्मल आटा, गेहूं का आटा। ये मैंने एक बड़ा बाउल, आप देख सकते हैं, आटा लिया है। और जितना बड़ा बाउल हम नॉर्मल आटा लेंगे उसके 1/3 हमने इसमें लिया है दलिया, 1/3 हमने लिया है रवा, थोड़ा धनिया और लिया है प्याज। ये एक प्याज है, इसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। और हम इसमें एक स्पून हल्दी डालेंगे। रेड चिली है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो 3 से 4 चम्मच, या फिर आप नॉर्मल 1 चम्मच आप इसमें रेड चिली डाल सकते हैं। और ये है सॉल्ट, आपके स्वाद अनुसार आप इसमें सॉल्ट डालिएगा। अब हम इस आटे में सारी चीज़ें मिला लेंगे, रवा, दलिया, प्याज, धनिया, हमने 1 टेबल स्पून हल्दी डाला है और ये 1 टेबल स्पून रेड चिली। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट और हम अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ये थोड़े सॉफ्ट बने, इसके लिए हम इसमें ऑयल डालेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है इसमें। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, हींग डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, ये अपनी पाचन क्रिया को भी स्वस्थ रखता है। हमने थोड़ा सा हींग डाल दिया है। अब हम इसे नॉर्मल वाटर से आटा गूंथेंगे। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको, जैसे बाटी का आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा टाइट हमको इसमें आटा गूंथना है। इस तरह से हमको थोड़ा सा टाइट आटा गूंथ लेना है। रेडी हो चुका है, तरह एक ऑयल कर लेना है इसको बनाएंगे। पहले हमने ऑयल को लगा लिया है पूरे पैन में, पानी का हाथ लेके इस पे कैसे फैलाना, तरह हमें इसे पानी के हाथ से फैला लेना है राउंड शेप में। अब इसमें हम 4-5 ये जो स्पून होता है जिससे हम पलटाते हैं उसके पीछे की नोक से थोड़ा सा होल कर लेंगे 2-3। जैसे हमने होल कर लिया है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे जिससे ये तवे पर चिपके नहीं। ये हमने ऑयल डाला है, इसके चारों साइड भी हमने ऐसे ऑयल डाल दिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के रख देंगे। अब हम इसे पलटेंगे, पलट चुका है। और अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थाली पीट बन के रेडी हो चुका है। अगर आप चाहे तो आप इसे सॉस के साथ या ठेसे के साथ खा सकते हैं या अचार के साथ। ये बहुत ही हेल्दी होता है और ये अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है ये। और अगर आप चाहे तो इसे ठेसे के साथ या फिर सॉस के साथ ले सकते हैं। तो गाइस बताइए आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, और आप मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।